Good morning, children. Today we will read chapter 21. Our goals, rights, and duties. Goals means lakshya, rights, adhikar, and duties means kartavya. हमारे लक्ष्य, rights, मैंने अधिकार और कर्तव्य देश के प्रति क्या है? तो the Constitution of India. The fundamental rights and fundamental duties of Indian citizens, the directive principles. India gained independence on 15th August 1947 को इंडिया स्वतंत्र हुई और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ और जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की मेंबर्स ने मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, संविधान बनाया, जो कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और द इंट्रोडक्शन आर द प्रीम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. The word sovereign means that India is an independent country. Sovereign के अनुसार, word sovereign के अनुसार हमारी जो इंडिया है एक आत्मनिर्भर देश है. The word socialist means that the constitution declares every citizen to be equal. और socialist का मतलब है कि सब citizen जो हैं हमारे यहाँ के, जो इंडिया के जितने भी नागरिक हैं, सब आपस में बराबर हैं, उनको सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सेकुलर मीन्स दैट ऑल रिलीजन आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. सेकुलर का मतलब है कि सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाए. डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारी जो इंडिया है उसकी जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है. अब्राहम लिंकन के अनुसार डिफाइंड द डेमोक्रेसी एट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल. अब्राहम लिंकन के अनुसार जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है. नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इनेबल अ सिटीजन टू लिव अ बेटर लाइफ. तभी सिटीजन को अच्छी लाइफ लिविंग के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं. राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म मानने का अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, किसी का शोषण ना हो. और नंबर फोर, कल्चर एंड फंडामेंटल राइट्स, सांस्कृतिक और जो एजुकेशन है उसका अधिकार. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि निम्न है. फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार. फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहीं भी सवार करने का अधिकार है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन तैयार करने का अधिकार है. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी आने जाने का अधिकार है. फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है, सेटलमेंट हो सकता है. फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. राइट टू एजुकेशन, इट स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट सेट प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years. गवर्नमेंट ने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का अधिकार दिया है. राइट टू इंफॉर्मेशन इज अनदर फंडामेंटल राइट. इफ अ सिटीजन फील दैट द फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड, अगर किसी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो उनको कोर्ट में जा कर के दावा कर सकता है, परंतु इमरजेंसी के समय ये नियम लागू नहीं होगा. नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज. जैसे कि हम जानते हैं हमारे अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी चलते हैं, तो हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं. वी शुड फॉलो द रूल्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. तो हमें जो रूल से बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको फॉलो करना है और हमारी जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट करना है. ऑल सिटीजन मस्ट हेल्प टू कीप द कंट्री यूनाइटेड. सभी सिटीजन का
कर्तव्य है कि वो अपनी जो कंट्री के जो लोग हैं सब आपस में यूनिट बने, इकट्ठे मिलकर के रहें। ऑल सिटीजन्स मस्ट हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज इन डेंजर। अगर हमारी कंट्री के ऊपर कोई खतरा है तो हमको उसमें हेल्प करना है। ऑल सिटीजन शुड प्रोमोट द स्पिरिट ऑफ हारमोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। सब भाईचारे की भावना फैलाना है और भाई सब एक साथ मिलकर के रहना है। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको उनकी सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। वी शुड अवॉइड वायलेंस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। हमको अहिंसा के प्रति अलग रहना है, अहिंसा नहीं करना है किसी तरह की, और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना है। वी शुड वैल्यू एंड हेल्प टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कल्चर। और हमारी जो सामाजिक विरासत जो हमें मिली है पूर्वजों से उसकी जो है रक्षा करना है। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निर्देशित सिद्धांत। सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो लेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। दे गिव द गाइडलाइंस विच द गवर्नमेंट शुड फॉलो। कुछ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारे संविधान में बताए गए हैं। जैसे द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर देयर सिटीजन। गवर्नमेंट का को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी जनता के लिए बेहतर कंडीशन रहने के लिए बेहतर कंडीशन प्रोवाइड करें। इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल मैन एंड वुमेन। सभी जेंट्स और लेडीज के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो प्रोवाइड करें। नंबर थ्री, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। गवर्नमेंट जो है सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र के लिए फ्री एजुकेशन दे। नंबर फोर, द बैकवर्ड क्लासेज लाइक शेड्यूल्ड कास्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू लीड ए बेटर लाइफ। जो पिछड़े जनजाति लोग हैं उनकी बेटर लिविंग के लिए गवर्नमेंट उनको अपॉर्चुनिटी दे। नंबर फाइव, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट नन ऑफ इट्स सिटीजन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। मतलब गवर्नमेंट को ये करना है कि उसकी जो जनता है उनका किसी प्रकार से शोषण न हो। When did our India become free? हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? Our India became free on 15 August 1947. When did our constitution enforced? Our constitution was enforced on 26 January 1950. हमारा संविधान कब लागू हुआ था? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।